ఒక అమ్మాయిని చూడంగానే మన మనిషి అనుకునే తన కోసం ఏదైనా చేయవచ్చు అనిపించారు. कभी आपने कभी सुना है कि जब मेल एक्टर शादी करता है तो उससे पूछा गया है कभी कि शादी के बाद आप क्या एक्टिंग कंटिन्यू करेंगे? ये नौकरी है, आदमी करता है, औरत भी करती है. क्यों ये सवाल सिर्फ औरत से पूछा जाता है? तो ये जो माइंडसेट है ये हर जगह है, तो ये पहले बदलना होगा. दूसरा, आई थिंक जब तक हमारी जो पुलिस फोर्सेस है उसमें जब तक फीमेल रिप्रेजेंटेशन नहीं बढ़ता, और ये देखा गया है जहाँ पर भी फीमेल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है और जो पुलिस स्टेशन्स में औरतें औरतों के केसेस संभालती हैं और एक उनका एक उनके साथ वर्कशॉप्स हुई हों, उनका जो माहौल है पुलिस स्टेशन का और जो जेंडर रिप्रेजेंटेशन बेहतर हुआ हो, स्पेशली वेयर देयर मोर विमेन officers and constables, वहाँ पर there are more women willing to come and register complaints. और ऐसे जगहों में जो crime rate है against women वो काफ़ी तादाद में कम हुआ है. example पर के तौर पर हैदराबाद as a city, वहाँ पर crime rate बहुत बढ़ गया था against women, eve teasing से लेके rape से लेके सब कुछ. आज हैदराबाद has become the second safest city in the country. वो इसलिए क्योंकि वन पुलिस ऑफिसर डिसाइडेड दैट वी हैव टू चेंज द वे आवर पुलिस स्टेशंस लुक, दे हैव टू बिकम मोर. शी इज एन आईपीएस ऑफिसर, स्वाति लाखरा. शी बेसिकली सेड कि हमको हमारे पुलिस स्टेशंस को पुलिस स्टेशंस जैसा दिखना नहीं चाहिए. आई एम स्पीकिंग इन हिंदी, आई ट्रांसलेट फॉर यू लेटर. But she changed the environment of the police stations, made them more women friendly, made them more accessible to women, and ensured that women were handling women's cases. Not just that, the male officers were sensitized. तो एक ऐसे बहुत होता है हमारे देश में कि औरत अगर कोई अपना कंप्लेंट देने जाती है, रजिस्टर करने जाती है पुलिस स्टेशन में, तो पहला अप्रोच ये होता है कि उसको शेम करते हैं. विक्टिम शेमिंग कहा जाता है इसको. तुमने गलत कपड़े पहने होंगे, क्यों तुम इतनी रात को वो सड़क पे चल रही थी, तुम्हारे साथ क्यों कोई नहीं था, ये सारे सवाल पूछे जाते हैं पुलिस स्टेशन में. तो ये उनको सेंसिटाइज करना कि ये गलत है, ऐसे नहीं सोचा जा सकता, ऐसा आप ऐसे बोल नहीं सकते. और ये सिस्टमिक अप्रोच की वजह से, चेंज के वजह से देखा गया है कि वहाँ का क्राइम रेट बहुत कम हो गया है. तो एक तो है acknowledging the fact that women have human rights and they have to have equal opportunity in society. Second is to establish strong laws, which we have, but we don't really implement them. So to ensure those laws are implemented. And third, to ensure that all the establishments that are there in place to make the checks and balances and ensure that the legal system is really protecting the rights of women, those have to get improved. పెళ్లికి ముందు బ్యాచిలర్ పార్టీ గోవా రావడం కూడా ఒక అడ్వెంచరా? గోవా రావడం అడ్వెంచర్ కాదు నాన్న, ఎలా వచ్చావు అనేది అడ్వెంచర్. లోకంలో వీడు ఒక్కడికే పెళ్ళైనట్టు వీడి ఫీలింగ్. నీకంటే నాకు ముందర అయిపోతాను కుళ్ళే. ఎందుకేనా నా రైలు చెరువు వ్యాపారం మానిపించి మరి ఇక్కడ తీసుకొచ్చా?